हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम इस ग्रिप सॉक्स का रिव्यू करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस ग्रिप सॉक्स के वीडियो में बताया था कि हम फील्ड में जाके इसका एक और बार रिव्यू करेंगे। तो आज इसे ट्राई करते हैं स्टड्स के अंदर पहन के कि कैसा फील होता है, क्या नहीं। फर्स्ट वाले में मैं इसे डायरेक्ट स्टड के अंदर पहन लूँगा, उसके बाद हम इसको शिन के साथ देखेंगे कि कैसे इसकी फिटिंग है और वो है। तो ये रहा इसका वाइट कलर है, और वाइट कलर अवेलेबल था उस टाइम, दूसरे कलर नहीं थे। और एक फ्लोरोसेंट ग्रीन था, मुझे फ्लोरोसेंट ग्रीन ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। ये है मिड वाला, और एक आता है फुल, जिसमें स्टॉकिंग्स टाइप का आपका लेंथ हो जाता है। तो ट्राई करते हैं, मैं इसे डायरेक्टली पहन लेता हूँ और इसको फिर स्टड्स के अंदर देखेंगे कि कैसा फील होता है। फिटिंग बहुत ही बढ़िया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे आ गया। फिटिंग इसकी बहुत बढ़िया है। अब इसको स्टड्स के अंदर, स्टड्स कंधे हो रखे हैं, पूरा वाइट है, और इसका पीछे ब्लैक स्ट्रिप्स आ गए। नीचे टाइट फिट हो रहा है स्टड्स के अंदर। अभी इसमें आपको ये मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में। जो स्टॉकिंग्स लेंथ वाला है वो आपको पड़ जाएगा अराउंड 800-900 में, और ये वाला मुझे कुछ ऑफ़र या डिस्काउंट के साथ पड़ा था कितना 600 या 700। तो उसमें आप अपना कलर चूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड कलर है। ग्रे हो गया, वाइट हो गया, और फ्लोरोसेंट ग्रीन हो गया, यही कलर आते हैं। फिर नीचे रेड भी आ सकता है, पर ये सिलिकॉन वाला ब्लैक ही रहेगा। ब्लैक के अलावा सब में ब्लैक कॉमन है। तो आप इसे अपने स्टड्स, ट्रेनर्स या किसी और के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, नॉर्मल शूज़ के अंदर भी। बट गर्मी के टाइम ये आपको बहुत दिक्कत करेगा स्वेटिंग के टाइम। बट इसमें मेंशन हो रखा था कि ये स्वेट प्रूफ है और ड्राई फिट कॉटन है। और वाइट कलर प्लीज़ अवॉइड करिएगा लेने से, क्योंकि वाइट कलर फिर बहुत ही गंदा हो जाता है। अभी जैसे मैंने जस्ट पहना तो मेरे स्टड में जो भी मिट्टी थी वो इसमें लग चुका है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और ये डिफरेंट फील हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुशन टाइप फील हो रहा है। ये नॉर्मल स्टड के सोल से ऊपर आपको होएगा, और आपका पैर एक जगह पे स्टेबल रहेगा स्टड के अंदर। तो आप ट्राई करिए ग्रिप सॉक्स पहनने को, और हैबिट में लाइए। नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं सॉक्स से बिल्कुल ही अलग है। ट्राई करते हैं इसके साथ रनिंग करके और शूज लेने का। तो गाइस, आप लोग ना अपने शिन्स को इसके साथ डालिए। आप अपना वो गोलकीपर वाला जिसके यहाँ पे सपोर्टर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। टाइट फिटिंग है, विदाउट शिन गार्ड सपोर्टर जो आते हैं नेट वाले, उसके बिना भी आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। अभी तक तो सही है विदाउट शिन के। देखते हैं शिन गार्ड के साथ इसका कैसा होता है। हाँ, बस थोड़ा सा पहनने के टाइम दिक्कत होगा ये यहाँ पे इसके चक्कर में। तो आप कट वाला यूज़ करिएगा, स्टॉकिंग्स कट वाला यूज़ करिए, सही रहेगा। फिटिंग सही है, टाइट रह रहा यार, बढ़िया सही है। अभी तक कंफर्टेबल है, कुछ ज़्यादा हैवी सा नहीं लग रहा पैरों में। हाँ, बट इसके ऊपर अगर आप सॉक्स पहनते हैं तो इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा सोल में। तो आप इसको पहन भी सकते, नहीं भी पहन सकते। मैं अभी इसे उतार ही देता हूँ, दोनों साइड पहन के अपने स्टड में पहनिए। और ये मर्क्यूरियल वगैरह के सोल प्लेट बहुत अच्छे होते हैं, एडिडास का मुझे कोई आइडिया नहीं है। पहनने में बहुत दिक्कत होगी, बस 2-3 बार करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हैबिट में लाइए, यहाँ पे आप डॉक्टर टेप लगा दीजिएगा, फिर टाइट हो जाएगा। शिन पैड भी फिर भी टाइट है, स्टॉकिंग्स का टाइटनेस है। तो स्टॉकिंग्स और इन सब के साथ तो कंफर्टेबल है। तो आप इसका बड़ा वाला भी सॉक्स ले सकते हैं और लीजिए, ट्राई करिए। मैं उसको नेक्स्ट मंथ मंगवा लूँगा उस वाले को, तब तक इस वाले को ही यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक बॉल कंट्रोल में कोई स्टड्स सही है, सॉक्स बिल्कुल सही है। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब फील होगा, और गर्मियाँ आ रही है तो नॉर्मली हम लोग गर्मियों में जितना भी ज़्यादा सॉक्स स्टॉकिंग्स वगैरह पहनते हैं स्वेट हो जाता है हमारे फीट के नीचे। तो ठीक है अभी, पर अवॉइड करिएगा इसे मॉर्निंग मैचेस में, इवनिंग वाले में, टर्फ में या नाइट मैचेस में आप पहन सकते हैं। बहुत सही है और बहुत कंफर्टेबल है। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा ये ग्रिप सॉक्स, बहुत अलग अलग कलर वेराइटीज़ में आते हैं। अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट और अपने लेंथ के हिसाब से इसे बाय करिएगा और ट्राई करिए। पहले आप अपना देख लीजिए आपको कौन सा चाहिए, शॉर्ट वाला, मिड वाला या लॉन्ग वाला, उसके बाद इसे ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और ऐसी वीडियो और आने वाली हैं, तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर में फॉलो करिए। ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं तो सब्सक्राइब भी करिए।